Hello everyone, this is Preeti Yadav. So today I am going to explain you chapter number 11 of the name is Pandit Jawaharlal Nehru of Hindi Literature Class 5. So everyone, after reading the name, I think so you already you had understood that what we will be understood in this chapter. In this chapter, we will read about Pandit Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister India after getting freedom. So everyone, in this chapter we will be read about Jawaharlal Nehru. So see, let's start now. Jawaharlal Nehru भारत के ऐसे सुपुत्र थे, what's the meaning, बेटे, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे बेटे थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व यानी सब कुछ अपनी प्यारी मातृभूमि मदरलैंड अपनी जन्मभूमि के लिए अर्पित कर दिया यानी दे दिया. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे बेटे थे जिन्होंने अपना सब कुछ अपनी जन्मभूमि को अर्पित कर दिया. भारत को स्वाधीन कराने यानी आज़ाद कराने, स्वाधीन कराने के कराने में जिन महापुरुषों ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य किए उनमें महात्मा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू का ही नाम लिया जाता है. सो एवरीवन, इन दिस चैप्टर वी हैव हर्ड दैट कि महात्मा गांधी के बाद जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया था हमारी फ्रीडम के लिए उनमें जवाहरलाल नेहरू का भी नाम लिया जाता है. तो सीना, जनता के दुलारे यानी प्यारे, देश के रक्षक, बच्चों के प्यारे चाचा जवाहरलाल नेहरू एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति थे यानी इंटरनेशनल लेवल, जो जनता के बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे तो देश के रक्षक थे यानी रक्षा करने वाले थे, देश की रक्षा करने वाले थे. और बच्चे बड़े प्यार से उन्हें क्या बुलाते थे, चाचा. और बच्चों के प्यारे चाचा जवाहरलाल नेहरू एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे यानी एक इंटरनेशनल लेवल के व्यक्ति थे. लेखक थे, इतिहास के ज्ञाता थे, एक बहुत ही सहृदय मनुष्य थे. उनके हृदय में, उनके दिल में सबके लिए करुणा और सहानुभूति थी. सो इट मीन्स से दैट स्टूडेंट कि वे एक महान लेखक थे यानी वो एक राइटर भी थे, इतिहास के ज्ञाता यानी ज्ञानी भी थे, बहुत बड़े ज्ञानी भी थे और एक बहुत ही अच्छे सहृदय मनुष्य थे यानी दिल के अच्छे आदमी थे. उनके दिल में सबके लिए करुणा यानी दया और सहानुभूति थी यानी अपनापन था, सिंपैथी थी उनके दिल में सबके लिए. सो एवरीवन, नाउ नेक्स्ट, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग नगर इलाहाबाद में हुआ यानी उनका बर्थ 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी नाउ इट इज़ नोन एज प्रयागराज, सो प्रयागराज में उनका हुआ. उनका जन्मदिवस प्रतिवर्ष यानी जन्मदिन प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है एज अ चिल्ड्रन डे. तो दैट यू नो वेरी वेल, ऑन 14 नवंबर वी यूज टू सेलिब्रेट द चिल्ड्रन डे बिकॉज द बर्थ ऑफ चाचा नेहरू. सो ऑन दिस डे वी यूज टू सेलिब्रेट बिकॉज ऑन दिस डे पंडित नेहरू वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889. सो जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे यानी मशहूर वकील थे. उनके पिता क्या थे, एक वकील थे. उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था. वे धार्मिक विचारों की महिला थी यानी धर्म को मानने वाली. जो उनकी माता का नाम था स्वरूप रानी और वो कैसी महिला थी, धर्म को मानने वाली महिला थी. बालक यानी जवाहरलाल, बालक जवाहर की आरंभिक शिक्षा यानी स्टार्टिंग एजुकेशन एज यू आर स्टडिंग 3, 4, 5, 8 सो स्टार्टिंग एजुकेशन उनके घर पर ही हुई. सन 1907 में उच्च शिक्षा यानी फर्दर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए वे विदेश चले गए यानी फॉरेन कंट्री चले गए 1907 में. 1912 में बैरिस्टरी पास की और वकील बनकर भारत लौटे यानी उन्होंने एलएलबी की, एलएलएम किया, उन्होंने बैरिस्टरी पास की, एक डिग्री हासिल की लॉ की, उसके बाद वो वकील बनकर भारत में लौट आए. 1916 में इनका विवाह कमला देवी नाम महिला से हुआ. 1919 में इनके घर बालिका प्रियदर्शनी का जन्म हुआ जो बाद में इंदिरा के नाम से प्रसिद्ध हुई. सो एवरीवन, 1916 में इनका विवाह कमला देवी नाम की महिला के साथ हुआ जिन्होंने 1919 में एक बालिका को जन्म दिया जिसका नाम था प्रियदर्शनी, जो बाद में हमारे भारत में इंदिरा गांधी के नाम से फेमस हुई और इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर इंडिया. सो एवरीवन, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. उन दिनों देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था यानी युद्ध छिड़ा हुआ था. जब वो भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि भारत में बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता जो युद्ध छिड़ा हुआ है क्योंकि हम पर जो अंग्रेज लोग थे वो शासन कर रहे थे. भारत में अंग्रेजों की के चुंगल से छुड़ाने की जी जान से चेष्टा की जा रही थी यानी भारतवर्ष को अंग्रेजों की कैद से
उनको कैद से यानी वो हम पर राज कर रहे थे, उनकी कैद से छुड़ाने के लिए जी जान से इच्छा की जा रही थी, प्रयत्न किया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी। जवाहर अपनी वकालत में लगे थे यानी लॉ अपनी वकालत में लगे थे, जब 1916 में उनकी भेंट यानी मिलना, उनका मिलना महात्मा गांधी से हुआ। 1916 में वो महात्मा गांधी से मिले। जवाहर गांधी से इतना प्रभावित हुए यानी असर हो गया, इम्प्रेस्ड हो गए वो, प्रभावित हुए कि फूलों की सेज त्याग यानी बलिदान कर दिया। बिकॉज ही वॉज वेरी रिच एंड ही वॉज यूज्ड टू बी अ लॉयर, सो उन्होंने एज द ऑथर हैज गिवन दिस एग्जाम्पल कि फूलों की सेज त्याग कर उन्होंने कांटों की राह पर चलने को तत्पर हो गए, यानी वो कठिन राहों पर चलने को तैयार हो गए। उन्होंने जो अपना सुखमय जो जीवन था वो त्याग दिया और कांटों की राह पर चलने को तैयार हो गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यानी उनके गाइडेंस में उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया यानी आज़ादी के युद्ध में भाग लिया और तन मन धन से देश की सेवा में जुट वो देश की सेवा में जुट गए। As you can see the picture also, it is a real picture of Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi. So everyone see, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, यानी जब वो देश के लिए लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे थे, तो उन्हें भी महात्मा गांधी को भी, आज़ाद भगत सिंह को भी उन और सुभाष चंद्र बोस को भी, कई सारे लोगों को कई बार जेल भी जाना पड़ा और जवाहरलाल नेहरू को भी कई बार जेल जाना पड़ा। सो एवरीवन कठोर यातनाएं सहनी पड़ी यानी मुसीबतें सहनी पड़ी, उन्हें बहुत ज़्यादा किसका सामना करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर वे विचलित नहीं हुए यानी वो परेशान नहीं हुए, भटके नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं जब उन्हें पता चले कि हाँ हम पर परेशानी आ रही है तो वो अपनी राह से भटक जाते कि नहीं हमें नहीं करना ये काम, लेकिन जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो बिल्कुल भी राह से नहीं भटके। देखते देखते वे सारे देश के युवकों के हृदय सम्राट बन गए यानी दिलों के राजा बन गए। 1920 से लेकर के 1945 तक नेहरू जी अधिकतर जेल की सीकचों के भीतर ही रहे यानी चार दीवारी, यानी 1920 से लेकर के 1945 तक नेहरू जी मोस्टली जेल के अंदर ही रहे यानी आते रहे जाते रहे। जो भी मतलब जो तब क्या था कि अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था और जब जो भी उनके खिलाफ़ बोलता था वो उनको जेल में डाल दिया करते थे, तो हमारे फ्रीडम फाइटर ये वर्क कर रहे थे, मीन्स उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो इसलिए वो जो भी उनके खिलाफ़ बोलता था वो उनको जेल में डाल दिया करते थे। तो 1920 से लेकर के 1945 तक वो अधिकतर जेल में ही रहे। सत्याग्रह के दिनों में यानी मूवमेंट के टाइम में एक सत्याग्रह नाम का एक मूवमेंट था एवरीवन। सो सत्याग्रह के दिनों में इनके माता पिता और पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, मीन्स दीज पीपल वर वेरी गुड दिस टाइम कि दे हैव नॉट थिंक अबाउट हिज पर्सनल लाइफ ऑल्सो, उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में भी नहीं सोचा और उन्होंने देश के लिए सेवा इतनी की कि उनके जब वो देश के लड़ रहे थे तो उनके माता पिता उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। सो एवरीवन कम ऑन नाउ नेक्स्ट पेज कि 1929 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया यानी कांग्रेस वॉज द फर्स्ट पार्टी इन आर इंडिया इन इलेक्शन पार्टी। तो उन्हें 1929 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया यानी लीडर चुना गया। लाहौर अधिवेशन में यानी पहला अधिवेशन कांग्रेस का लाहौर में ही हुआ था। लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की यानी संपूर्ण आज़ादी की घोषणा की कि हम अब आज़ादी जो है अपने भारत की वो ले के रहेंगे, उन्होंने ऐसा ऐलान किया। सो 1947 में भारत स्वाधीन हुआ यानी आज़ाद हो गया यानी स्वयं के अधीन हो गया, वो अब किसी की गुलामी नहीं कर रहा था। 1947 में जब भारत स्वाधीन हुआ तो श्री जवाहरलाल नेहरू को स्वाधीन भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। एज यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि आफ्टर गेटिंग फ्रीडम द जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर इंडिया, वो पहले प्रधानमंत्री बने जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। 17 वर्ष तक वे इस पद पर रहे यानी ही हैज स्पेंड हिज 17 ईयर्स ऑन दैट पोस्ट, वो 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री बने रहे। उन्होंने भारत में लोकतंत्र की नींव मजबूत की, स्वतंत्र भारत की उन्नति के लिए उन्होंने कई ठोस कदम उठाए यानी वृद्धि के लिए। उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने भारत की उन्नति के लिए उनकी प्रोग्रेसिव के लिए प्रोग्रेस के लिए कई सारे ठोस कदम भी उठाए।
पंडित नेहरू ने सारे विश्व में शांति का प्रचार किया यानी फैलाया, उन्होंने शांति फैलाई सारे विश्व में। वे संसार से युद्धों का नाम और निशान मिटा देना चाहते थे। तो ही वॉज अ दिस मच शांति प्रिय पर्सन, वो इतना पीसफुल पर्सन थे कि उन्होंने पूरे भारत पूरी विश्व में शांति का प्रचार किया और वो चाहते थे कि कोई भी देश आपस में युद्ध ना करे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव पारित करवाया, यानी उन्होंने यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में बिना हथियार का प्रस्ताव भी पारित करवाया, ठीक है। उन्हें शांति दूत के नाम से जाने लगा, यानी जब उन्होंने ऐसा काम किया तो उन्हें शांति दूत के नाम से पूरे भारत में और विश्व में जाना जाने लगा। अचानक 27 मई 1964 को, यानी सडनली 27 मई 1964 को हृदय गति यानी दिल की धड़कन, हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया यानी उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 27 मई 1964 को सडनली उनका हार्ट अटैक या हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। राजघाट पर शांति वन में उनकी समाधि बनी हुई है। समाधि मतलब मरने के बाद जो मृत शरीर को दफनाया जाता है वो जगह या अंतिम संस्कार किया जाता है। तो यानी दिल्ली में राजघाट शांति वन में उनकी जो समाधि है वो अभी भी बनी हुई है, बनाई गई थी उस टाइम पे, वो आज भी है। पंडित नेहरू को लाल गुलाब बहुत प्रिय था, यानी उन्हें बहुत पसंद था लाल गुलाब। तो वे सदैव यानी हमेशा अपने कोट में लाल गुलाब लगाते थे। एक बार नेहरू जी किसी की प्रतीक्षा में खड़े थे, क्या मतलब इंतज़ार में खड़े थे, उनके कोट में गुलाब का फूल नहीं था। तभी एक बालिका ने आगे बढ़कर एक गुलाब का फूल नेहरू जी को दिया, यानी वो किसी के इंतज़ार में खड़े थे और उन्हें गुलाब का फूल इतना प्रिय था कि वो हमेशा अपने कोट में लगाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब वो किसी की प्रतीक्षा में खड़े थे तो वहाँ एक बच्ची आई, उसने गुलाब का फूल नेहरू जी को दिया। चाचा जी, प्यार से, चाचा जी इसे अपने कोट में लगा लीजिए, नेहरू जी खिलखिलाकर कहा। नेहरू जी ने कि बड़ी हंसकर कहा, अरे तुम ही लगा दो ना, यानी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आप ही लगा दो। छोटी सी बच्ची कोट तक कैसे पहुँचती, अब वो छोटी थी तो कोट तक कैसे पहुँचती, उसने हाथ का गुलाब नेहरू जी की ओर बढ़ा दिया यानी आगे कर दिया। नेहरू जी ने उसे गोद में उठा लिया, लो अब लगा दो, यानी उसे गोद में लगाकर उठा करके कहा कि लो बेटा अब ये फूल लगा दो। बालिका प्रसन्नता से फूली ना समाई, यानी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई, वो खुशी से फूली ना समाई, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। बच्चों के लिए नेहरू जी का प्यार असीम था तथा अतः था, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं थी और बहुत ज़्यादा वो बच्चों से प्यार किया करते थे। सो पंडित नेहरू एक सच्चे देशभक्त थे, वे बहुत ही सहनशील और कर्मठ थे, यानी सहनशील यानी सहन करने वाला, कर्मठ यानी बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला, कमेरा इंसान, बहुत ज़्यादा कमेरे थे। विश्व शांति और मानवता की खुशी सुखी बनाने की दिशा में उनका योगदान सराहनीय है, यानी विश्व शांति और इंसानियत को सुखी बनाने में जो उनका योगदान था वो बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल है। उनका असाधारण व्यक्तित्व और मुस्कुराता चेहरा दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। सो एवरीवन आई वांट टू टेल यू दैट अमिट मतलब कभी न मिटने वाली, एक अमिट छाप छोड़ जाता है। तो एवरीवन आई वांट टू टेल यू दैट कि दोज वर आर फ्रीडम फाइटर, देवर वेरी सिंपल बट देवर हैविंग अ हाई थिंकिंग। सो बाई दैट वी आर थिंकिंग दैट कि उनका जो साधारण व्यक्तित्व है, वो जो मुस्कुराता चेहरा है, वो हमारे दिलों पर बहुत ही ज़्यादा न मिटने वाली छाप को छोड़कर जाता है। सो नाउ एवरीवन गांधी जी के शब्दों में, यानी व्हाट द गांधी जी हैज सेड, गांधी जी के शब्दों में एक योद्धा के समान साहसी और राजनीतिज्ञ के समान बुद्धिमान और दूरदर्शी हैं जवाहर। यानी गांधी जी ऐसा कहा करते थे कि एक वॉरियर की तरह वो साहसी हैं यानी करेजियस हैं, और राजनीतिज्ञ यानी एक बहुत अच्छा नेता के समान बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और दूर की सोचने वाले इस तरह के हैं जवाहरलाल नेहरू। देश को अपने इस महान नेता पर सदैव गर्व रहेगा, यानी हमेशा घमंड रहेगा। सो एवरीवन आई वांट टू टेल यू दैट अबाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर कि वी आर थिंकिंग दैट वी हैव गट अ फ्रीडम इन सो मच इजी मैनर। सो नो एवरीवन, वी शुड बी रेस्पेक्ट आर फ्रीडम फाइटर बिकॉज वी हैव नॉट गट फ्रीडम इन सो मच इजी मैनर। वी मोस्ट ऑफ द पीपल हैज हैड गिवन देयर फुल लाइफ फॉर आर फ्रीडम।
So we should follow their guidance, and we should be always respect to them. So I hope this chapter you have understood. Thank you, everyone.